नमस्कार, सवाल तो बनता। मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी की सियासत में इस वक्त जुबानी जंग तेज है। चुनाव आयोग ने जब से रैलियों और जनसभाओं पर रोक का ऐलान किया, तब से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नेता अपने धुर विरोधियों पर निशाना साध रहे। अखिलेश यादव जहां महंगाई, बिजली बिल और किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी की ओर से खुद योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के जवाब का पलटवार करते हुए उस पर एक अपनी तरफ से धारदार वार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को उनके कार्यकाल की याद दिलाते हैं और आरोप लगाते हैं कि सपा कार्यकाल में प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया खुलेआम घूमते थे। सियासी दलों के बीच जारी जुबानी जंग में अब जनता को फैसला करना है कि 2022 में सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। लेकिन सवाल कई है, क्या कानून व्यवस्था पर योगी सरकार में अखिलेश सरकार से अच्छा काम हुआ? क्या यूपी में सभी गुंडे जेल के अंदर है? क्या अब यूपी में सब मंगल है? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने 5 साल में एक भी काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हवाई दावे किए, फीता काटा पुरानी सरकारों के काम का। आज बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या वाकई 5 साल में यूपी में बदलाव हुए या फिर विपक्ष के दाव सही। तो राजनीतिक दलों के बीच जारी जुबानी जंग के बीच योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप सब साक्षी हैं, वो अंधेरा लाए थे हम उजाला लाए हैं, वो गुंडा राज लाए थे हम कानून का राज लाए हैं, वो अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे हम डिफेंस कॉरिडोर ले आए, वो हज हाउस लाए थे तो हम रामलला का मंदिर लाए हैं। ये वो ट्वीट है जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें एक तरीके से सीधा प्रहार किया है कि उस वक्त के दौर में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो असल में होता था, किसके लिए होता था, खासतौर पर एक वर्ग के लिए होता था। माफिया गुंडे खुलेआम घूमते थे लेकिन कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाता था, पुलिस खामोश रहती थी। सीएम योगी ने आगे ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वही रहेगी। प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास हैं और इतिहास ही रहेंगे। यानी उन्होंने ये दावा करते हुए कि हमने काम किया है, इस वजह से हमारी सरकार भी वापस आएगी। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बयान दिया और अपने दौर में कोई काम नहीं किया, वो इतिहास बन चुके हैं और इतिहास ही बने रहेंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जनार्दन साक्षी है, तुष्टीकरण करते हैं हम, अंत्योदय का कर रहे हैं, वो परिवारवाद करते थे हम राष्ट्रवाद की अलख जगा रहे, वो राम भक्तों पर गोली चलवाते थे हम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर मंदिर भी मुद्दा होगा, विकास भी मुद्दा होगा, दीपोत्सव भी मुद्दा होगा, कुंभ भी मुद्दा होगा इस सरकार के लिए, क्योंकि हर एक उस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया जिसमें राष्ट्रवाद है। इधर योगी आदित्यनाथ के ट्वीट के जवाब में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करके जवाब दिया गया। सपा सरकार में दूर होगा अंधकार, 300 यूनिट फ्री बिजली पाकर सपने होंगे साकार, क्योंकि चुनावी वादा इस वक्त अखिलेश ने किया है कि उनकी सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और अब उसी फ्री वाली बिजली के आधार पर सपने साकार होने की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उनके नेता। और जवाब दिया गया योगी आदित्यनाथ के उस ट्वीट का इसी ट्वीट के जरिए, जिसमें लिखा कि सपा सरकार में दूर होगा अंधकार, 300 यूनिट फ्री होगी बिजली पाकर सपने होंगे साकार। बहरहाल तो योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए और ट्वीट करके ना सिर्फ सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा, बल्कि समाजवादी पार्टी के दौर में किन लोगों का भला होता था या किस खास वर्ग के लिए काम होता था, कैसे वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर खुलेआम गुंडे घूमते रहते थे लेकिन पुलिस खामोश रहती थी, इन तमाम मुद्दों को उठाकर उन्होंने कहा कि हम अंत्योदय की बात करते हैं, हमने राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करा दिया, मंदिर निर्माण भी शुरू हो गया, हम कुंभ भी करा रहे हैं, उसके साथ साथ हमने विकास का काम भी किया। और कोरोना काल में जिस तरीके से दुनिया में एक आपदा वाली स्थिति आई थी, उस स्थिति से निपटते हुए उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ संभालने की कोशिश की, चुनौतियां थी लेकिन चुनौती से हम बाहर निकल पाए और इसी वजह से सरकार फिर से रिपीट होगी। अब ये चुनावी दावे हैं, चुनावी वादे हैं, एक दूसरे पर प्रहार है, लेकिन जनता को तय करना है कि सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा, किसको इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का मौका मिलेगा, कौन सी पार्टी पर, कौन सी पार्टी के किस कैंडिडेट पर या किस
इस चेहरे पर जनता भरोसा कर पाएगी। एक तरफ योगी मोदी अमित शाह की जोड़ी है, उसी के साथ साथ अखिलेश यादव की अपनी रणनीति है छोटे छोटे दलों के साथ। और अब यहां पर जब पहले फेज का इलेक्शन शुरू होगा, वहीं से तय होना शुरू हो जाएगा कि असल में माहौल क्या है। जो बड़े कद्दावर नेता हैं, इस बार के चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक रैली नहीं कर सकते, तो डोर टू डोर कैंपेन एक कम लिमिटेड 10 लोगों की संख्या के साथ वो करने की कोशिश कर रहे। गांव गांव जाने का उनका प्रोग्राम बन रहा। हर एक नेता ये दावा कर रहा कि माहौल उसके पक्ष में है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। फखरुल हसन चांद हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है फखरुल भाई आपका। अनुराग मिश्रा है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है अनुराग आपका। दीपक सोनकर है प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है दीपक आपका। दीपक, आज मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ ट्वीट करके प्रहार किया, वो हर एक मुद्दे को गिना दिया जो पिछली बार हमने 17 में भी देखा था कि उसी आधार पर आप 300 पार कर गए थे। फर्क साफ करने का क्यों छाया है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 2012-17 तक किस तरीके से भ्रष्टाचार झूठा राज फैला हुआ था, आज उसी को दूर करने का काम उत्तर प्रदेश 4.5 वर्षों के अंदर किया है। जीरो टॉलरेंसी के नीति के अंतर्गत कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। जिस तरीके उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का आज उत्तर प्रदेश देश का नंबर वन प्रदेश बनाया है, 4.5 वर्षों के अंदर हमको देखने को मिला है कि पूर्वांचल क्षेत्र की बात कर लीजिए तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिखाई देता है जो व्यापार से लेकर के औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के रोजगार को बढ़ाने का काम करता है। पश्चिम क्षेत्र की बात ले लीजिए तो वहां पर हमको जेवर एयरपोर्ट दिखाई देता है कि किस तरीके से वहां पर औद्योगिक विकारीकरण और उनसे रोजगार के क्षेत्र का दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां से टूटी सड़कें आज उत्तर प्रदेश के अच्छी सड़कों की व्यवस्था दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां एक दिन बिजली आती थी तो दूसरे दिन बिजली नहीं आती थी, गांव के लोग बिजली को तरसते थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर शहर के अंदर 24 घंटा बिजली और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 16 से 18 घंटे दिखाई देती है। तो उत्तर प्रदेश फर्क साफ को आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने जनता जी को समझाने का काम किया है और लगातार जिस तरीके से हम लोगों ने विकास की पथ की यात्रा को तोड़ा है, निश्चित रूप से 2014 में भी जनता का आशीर्वाद विकास के मुद्दे के साथ, 2017 में भी जनता का आशीर्वाद विकास के मुद्दे के साथ हम लोगों को मिला था, 2019 में भी विकास के मुद्दे के साथ जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला था। निश्चित ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का परिदृश्य आप सामने आ रहा है वही लेकिन दीपक सुनकर, अब यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट का जवाब दिया गया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी जब उनकी सरकार होगी और इसी वजह से उनका सपना साकार होगा। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बिजली देते ही नहीं थे 2012-17 तक केवल 6 घंटे से 4 घंटे बिजली आती थी, वो 300 यूनिट बिजली का वादा क्या करेंगे। मैं वही बताना चाह रहा हूं, जब कितने दी नहीं प्रदेश को बिजली को जनता को दूर रखा, आज हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। बिजली की बात अगर मैं बता दूं तो आप देख लीजिए कि दोनों गांव के हर कोने तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, हर गांव में आप बल्ब बल्ब जलता है, वहां उजाला दिखाई देता है। जब उत्तर प्रदेश में लोग एंट्री करते थे तो जब अंधेरा शुरू हो जाता था तो लोग कहते थे कि साहब अब देख लो ये उत्तर प्रदेश आ गया है। अब आप जब उजाला दिखाई देता है, अच्छी सड़कें दिखाई देती है, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिखाई देते हैं, मेडिकल कॉलेज दिखाई देते हैं, तब कहते हैं साहब ये उत्तर प्रदेश जो है चमकता हुआ उत्तर प्रदेश। फखरुल भाई, जो बिजली देते ही नहीं थे वो फ्री देंगे सरकार बनने पर, और वादा है वादों का क्या, ये कह रहे हैं दीपक सोनकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंधकार को मिटाने के लिए समाजवादी सरकार बनने जा रही है। ये जब ये कहते हैं कि बिजली ये दे रहे हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि आपने क्या कुछ बिजली के कारखाने इन 5 सालों में लगाए हैं? जो समाज सपा सरकार में कारखाने थे वही तो चल रहे हैं, आप एक्स्ट्रा कहाँ से कुछ कर पा रहे हो? ये तो देखिए विज्ञापन की सरकार है, इनके विज्ञापन बड़े बड़े छपते हैं जिसमें विकास उत्तर प्रदेश का नहीं दिखता है, कहीं कलकत्ता का दिखता है, कहीं विदेशों का दिखता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ की सरकार है। जब इनसे रोजगार की बात करो तो नौजवान लाठी खाते नजर आते हैं,
अभी हमने कल ही देखा कि जो है किस तरीके से प्रयागराज में नौजवानों को छात्रों को निकाल निकाल के योगी की पुलिस पीट रही थी। यही तो उत्तर प्रदेश की शक्ल है, यही तो योगी जी का चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में नौजवानों पे लाठी चला रहा है और बता रहे हैं कि अंधकार मिट गया है। ये जो बेरोजगारी का अंधकार है ये 5 सालों में बढ़ा है जिसको समाजवादी सरकार मिटाने का काम करेगी। ये जो महंगाई का अंधकार है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया, समाजवादी सरकार आने पे इस महंगाई के अंधकार को मिटाएगी। ये जो किसानों के साथ अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उस अंधकार को मिटाने का काम करेंगी। हमारे जो कानून व्यवस्था में जो माफिया क्रिकेट खेलते हैं, बलात्कारियों को सरकार बचाने का काम करती है, अंधा का बिल्कुल जंगल का कानून है, इस अंधकार को मिटाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर मुद्दे पे फेल है। अगर आप महंगाई की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, विकास की बात कर लीजिए, ये हर मुद्दे पे फेल है। हाँ, प्रचार में ये बहुत आगे है, झूठा प्रचार करने में आगे है, झूठा विज्ञापन देने में आगे, झूठा रोजगार देने में आगे। एक रोजगार जो योगी जी ने जिसको रोजगार दिया था, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, वो रोजगार भी नेपाल भगा दिया जाता है। यही एक योगी जी का अंधकार में उत्तर प्रदेश, जिसको अंधेरे से निकालने का काम समाजवादी सरकार करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन वो ठीक है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो जब आप सारे विधायक जीत जाएंगे फिर पार्टी तय करेगी। हर एक पार्टी इस वक्त अपने अपने चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात, लेकिन फखरुल भाई जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बहुत फोकस्ड उन्हीं बातों को रखा जो कि 2017 में उन्होंने मुद्दा उठाया, बीजेपी ने उस मुद्दे को उठाया और फिर उसका परिणाम मिला कि 300 पार का नारा उन्होंने दिया, आपने कहा नहीं आपके भी आ रहे हैं लेकिन उनके आए आपके नहीं आए। देखिए ऐसा है ना कि 2014 का चुनाव था, 2017 का चुनाव था, जनता भारतीय जनता पार्टी को देख रही थी कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में किए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का वादा हो या 15 लाख रुपए अकाउंट में देने का वादा हो या काले धन का वादा हो, और उसके बाद जब 2017 का चुनाव आया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, जिस तरीके से वादे किए गए उत्तर प्रदेश रोजगार देने के, विकास की गंगा बहाने के, एक्सप्रेस वे का जाल बिछाने के, सड़कों का जाल बिछाने के, हम समझते हैं उन सब वादों में भारतीय जनता पार्टी फेल है। 2017 से 2022 के बीच में बहुत पानी बह गया है। 2017 से 2022 के बीच में बहुत पानी बहने के बीच में 19 का चुनाव भी है ना, अगर भरोसा नहीं होता तो 19 में कैसे आते। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल बहुत सही आपने सवाल पूछा है। जब 2019 का लोकसभा चुनाव था उससे पहले हुए विधानसभा चुनाव, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो या मध्य प्रदेश रहा हो या राजस्थान रहा हो, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक घटना जो पुलवामा की घटना हुई थी उसने देश की राजनीति को बदल दिया था और देश के जो चुनाव करीब था उसमें हम समझते भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक लाभ मिला था। लेकिन जनता के मुद्दे मतलब काम का लाभ नहीं मिला था, पुलवामा का लाभ मिला था। और मध्य प्रदेश के चुनाव में तो मुझे लगता है बहुत कट टू कट था, हो सकता है छत्तीसगढ़ का आप उदाहरण देते हो तो ज्यादा बेहतर होता, राजस्थान में भी मामला आप समझ में सकते हैं कैसे था। अनुराग मिश्रा समाजवादी पार्टी मुद्दों के आधार पर आएगी और 300 यूनिट वो भी बिजली फ्री देगी, आप तो दिल्ली में दे ही रहे हैं 200 यूनिट फ्री। बीजेपी अपने काम पर सरकार में रिपीट करेगी। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक ऐसा अवसर है जहां आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा? फ्री का वादा तो वो भी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास एक सबसे बड़ी जो ताकत है वो डोर टू डोर करने की क्षमता। मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं रानीगंज विधानसभा से। आपको बताऊं कि जब तक ये लोग टिकट बांट रहे हैं अभी जिन जिन क्षेत्रों में, मैं आज आधी विधानसभा के एक एक गांव में एक एक घर में जा चुका हूं, समझ रहे हैं? तो ये हमारी ताकत है, केजरीवाल जी की गारंटी जो है, क्योंकि हमने राजनीति में एक नए शब्द गढ़े हैं और उसको सेट किया है, गारंटी शब्द लाया है। हम जितनी बोलते हैं बात वो गारंटी है और लोगों के अंदर केजरीवाल जी की क्रेडिट है। आज हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, आज हम लोगों ने बातों को रखा है। एक सरकार शमशान बनाने की बात करती है, एक सरकार कब्रिस्तान बनाने की बात करती है। हम स्कूल बनाने की बात करते हैं, हम अस्पताल बनाने की बात करते हैं, हम बिजली फ्री करने की बात करते हैं, बिजली गारंटी कार्ड भरवाने का काम अगर सबसे पहले किसी ने एक एक विधानसभा में एक एक गांव में जाकर के वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया। तो हमारी ये ताकत है,
गलतफहमी में है उनको रहने दीजिए, हमको टीवी चैनल्स पे अभी सर्वे में चाहे कोई कुछ दिखाए या ना दिखाए, मैं आपको बता दूं कि अंदर अंदर आप छोटी बस्तियों में जहां भी जाएंगे, जो हमारा और बैंक है वहां पर क्या है, बहुत गरीबी अभी उत्तर प्रदेश में है, किसी के पास उज्ज्वला कहने के लिए है, भ्रष्टाचार इतना है। मैं आपको बता दूं, लगातार गांव में मैं टहल रहा हूं, कच्चे मकान ही आपको दिखाई देंगे। जो लोग सक्षम है, नो डाउट आपने योजनाएं लाई, लेकिन उस योजनाओं में गड़बड़ झाला है, जिनके पास पैसे थे बीच में दलाली हुई है, दलाली होने के नाते जो सक्षम लोग थे वो कमीशन दे दे करके उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया, जो वास्तव में ठीक था, जो परेशान था उसको। ठीक है अनुराग, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फ्रेम शायद चला गया। बहुत जल्दी से फखरुल भाई, इस पर एक काउंटर आपसे चाहूंगा, शुरुआत उन्होंने आपसे भी की है, वो सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ा है बल्कि उन्होंने आपके समय का भी जिक्र कर दिया। देखिए समाजवादी सरकार जब थी तो हमने अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री कराने का काम किया था तो शमशान घाटों को भी बनाने का काम किया था। तो देखिए समाजवादी पार्टी सरकार तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी पार्टी है, हम किसी एक धर्म को लेकर साथ नहीं चलते। आज यहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो ये कहते हैं कि हम डोर टू डोर पहुंच गए हैं। देखिए उनके पास टिकट मांगने वालों की कमी है, समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के पास मैं समझता हूँ लोग ज्यादा हैं। गलत बात है, आप रानीगंज विधानसभा बात बता दूं, मैं बसपा से आए हुए प्रत्याशी को आपने दिया है, ये मैं किसी विधानसभा के कुछ डिबेट नहीं कर रहा हूँ, ये विधानसभा की डिबेट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की डिबेट है। मैं बता रहा हूँ चुनाव प्रचार के लिए हम बात करेंगे आपकी। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर आशीष दीक्षित भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आशीष भाई बहुत स्वागत है आपका, सवाल सीधा है, सब वादे कर रहे हैं, सब दावे कर रहे हैं, सब गारंटी की बात कर रहे हैं। अनुराग आऊंगा आपके पास आपकी बात पूरी कराऊंगा, लेकिन उसके पहले डॉक्टर आशीष दीक्षित, सवाल इस बात का है कि क्या इन वादों से कांग्रेस भी मजबूत उतनी दिख रही है, क्योंकि जो लड़ाई है वो बार बार केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ बीजेपी बनाम सपा ही है, ये एक विपक्ष की भी रणनीति है, सत्ता पक्ष से तो सब लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष यह भी मैसेज दे रहा है जो कि मुख्य विपक्षी दल है कि लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं, बाकी सिर्फ यहां पर एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार का कोई फायदा नहीं है। देखिए स्पष्ट कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को गलतफहमी है और ये गलतफहमी जो है लड़ाई थी, 4.5 साल लड़ाई थी, किसने लड़ी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। कांग्रेस पार्टी का 18,777 कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसने का काम किया गया। अखिलेश यादव जी कहां थे? लगातार जो है वो सोते रहे, शांत रहे, उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा माहौल हमारे लिए बन जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई माहौल उनके फेवर में नहीं है, और कुछ लोगों को, चंद लोगों को ज्वाइन करा लेने से माहौल नहीं बनने वाला, जनता सब देख रही है। जनता ने ये भी देखा कि कौन उनके साथ खड़ा रहा, जनता ने ये भी देखा भारतीय जनता पार्टी की जो है मुखालफत किसने की, योगी मोदी जी के जो है मोदी जी के पुनर सरकार आए इसकी शुभकामनाएं नेताजी ने देने का काम किया, मुलायम सिंह यादव जी ने देने का काम किया, भरी संसद में देने का काम किया, उत्तर प्रदेश का मुसलमान यह भी देख चुका है कि असली लड़ाई किसने की है। 4.5 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ती रही, और हम लोग जो है फर्जी वादे नहीं कर रहे, हम लोग फर्जी जुमले नहीं हाँक रहे, हमारे पास विजन है, हम लोग जो है प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा कि महिलाओं को 40% आरक्षण देने का काम किया जाएगा, आप हमारी सारी लिस्टें उठा लीजिए, 40% का जो वादा है वो हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। हम लोग युवाओं के लिए भी अलग घोषणा पत्र लाए हैं, युवाओं से जो हम लोगों की जो है प्रतिज्ञा है वो भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। देखिए हम लोग हवा हवा में बातें नहीं करते, ना जुमले ना झूठ ना परेड ना कुछ, हमारे पास बड़े नेताओं की फौज है जिसने लगातार जो है लोगों को जो है संपर्क करके जनता में जाकर इस घोषणा पत्र को, उनकी बातों को सुनकर, उनकी जरूरतों को समझकर प्रतिज्ञाएं ली हैं, और उस चीज को हम लोग पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता का विकास करेंगे, और वो जो पुराना जो पहिया रुका हुआ है उस चीज को पुराना पुनः चलाने का काम करेंगे, और जनता भी इस बार पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि झूठी फरेबी बातों में नहीं आना है,
और पूरी तरीके से इस निजाम को बदल डाल। दीपक सोनकर, सुन लिया आपने, अनुराग मिश्रा का दावा है कि डोर टू डोर उनकी ताकत है और उनके पास एक क्रेडिबल चेहरा है केजरीवाल, जिस पर लोगों को भरोसा है। फकरुल भाई का कहना है कि हमने जो कहा है, जो हमने लड़ाई लड़ी है, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी पर लोगों को भरोसा होगा और उन्होंने रणनीति भी गठबंधन की बहुत मजबूत बनाई है। और खुद डॉक्टर आशीष दीक्षित का कहना है कि उनकी पार्टी प्रतिज्ञा वाली पार्टी है, उन लोगों ने प्रतिज्ञा ले ली है, इसलिए जुमले नहीं चलेंगे, गुंडा राज नहीं चलेगा और कोई गारंटी वाले नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जनता के डोर टू डोर तक है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जनता की समस्या के समाधान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही दिखाई नहीं देती उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी तो सरकार के दूसरे दिन से ही जनता के बीच में। दूसरी बात, हमारे फारूक भाई कह रहे थे आप सत्ता की मलाई है, आप बच्चों के ड्रेस के पैसे खा रहे हैं, आपने कोरोना के काम में ऑक्सीमीटर बेचा है, 500 का ऑक्सीमीटर 5000 में बेचा है, झूठ मत बोलिए। या उत्तर प्रदेश की डिबेट ऑक्सीमीटर बेचने का काम महंगे दामों में किया है, वेंटिलेटर बेचने का काम किया है, 16,000 का गैस ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर आपने 54,000 में बेचने का काम किया है, सारे राज्यों में जीरो है। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता है, जितनी आपकी लोकसभा सीट है उतना हमारा जिला बैठा है, या दिल्ली उत्तर प्रदेश के बराबर बन सके, जो 4 राज्यों में आपने चुनाव लड़ा वहां जीरो जीरो आया है। उत्तर प्रदेश की जनता ये सब चाहती है, या जुमलेबाजी नहीं चलेगी आपसे। आप जब मैं बोल रहा हूँ, अरे आप अपनी जवाब देते हो, उत्तर प्रदेश है प्रयागराज में लड़कों को गणतंत्र दिवस के पहले पुलिस के भटों से नौजवानों को मारने का काम कर रहे हैं, शर्म करिए, नौजवानों पर रोज लाठियों से पिटवा रहे हैं। बाबा के लठ तंत्र से देश नहीं चलेगा, के संविधान से चलेगा। बोल लेने दीजिए अनुराग एक बार बोल लेने दीजिए, दीपक सोनकर को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा आप अपनी बात। ये विधानसभा का डिबेट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का डिबेट, आप अपना विधानसभा का प्रकाश मत करिए, यहाँ समझ में आ रहा है ना। तो जिस तरीके से फारूक हमारे भाई कह रहे थे, खूब समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से फारूक भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी थोड़ा सा देख ले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने प्रत्याशी नहीं देखे हैं, जेल में रहने वाले उम्मीदवार हैं और बेल पे रहने वाले उम्मीदवार हैं। शाहिद हसन जैसे लोग, रफीक अंसारी जैसे लोग, सईद मंजूर जैसे लोग, मोहम्मद अली जैसे लोग, अजी यूनिस जैसे लोगों को, माने एक व्यक्ति पर जिस पर हत्या का आरोप है, गैंगस्टर का आरोप है, माने ऐसे 10 ज्यादा से मुकदमे दर्ज लोग हैं, वो आज समाजवादी के गठबंधन में प्रत्याशी बने। उत्तर प्रदेश की जिस सरकार में तुष्टिकरण की राजनीति क्या है, तुष्टिकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति की बात आप अभी कर रहे थे, मैं भी बताना चाहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी साहब के ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे क्या बता रहे हैं, हमारा दुश्मन नहीं है। अरे भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, पाकिस्तान वाले हमारे देश के जवानों के साथ किस तरीके से ये घटना करी जाती है, किस तरीके से हमारे देश के मरहूम जवानों को शहीद हुए हैं, तो ये पाकिस्तान ने किस तरीके से दंगे कराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 600 से ज्यादा दंगे हुए, प्रदेश में 17 से 22 तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश ठीक है, दीपक सोनकर और डॉक्टर आशीष आपके फोन की ऑडियो यहां पर आ रही है, दीपक सोनकर रोक रहा हूं आपको। फखरुल भाई, आपने सुना डॉक्टर आशीष को, उन्होंने शुरुआत ही यहां से की कि वो लोग लड़ाई लड़ेंगे जो कि गायब थे, कांग्रेस लड़ती रही, और जैसा यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कि खुद कैंडिडेट भी है उनका कहना है कि आप लोग टिकट बांटने में इतना देर कर रहे थे, वो लोग पहले से ही तैयार बैठे थे, वो घर घर तक पहुंच चुके हैं, अब तो घर घर के लोग उनको जान चुके हैं, तो लड़ाई त्रिकोणी नहीं लगती आपको, बीजेपी से अकेले आप नहीं लड़ रहे। और फिर वही बात कि एक तरफ आप विपक्ष में इतनी ज्यादा जबरदस्त टक्कर है, सब अच्छा लड़ रहे हैं
और वो बीजेपी जो कि उन्हीं मुद्दों को आप पर फिर से छोड़ रही जिस मुद्दे पर उनकी सरकार बनी थी, बाकी एडिशनल काम वो अपने गिना रहे। देखिए मैं तो हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही, मुद्दों की बात कर रही, तो हमें उन पर कुछ नहीं कहना, हम उनका स्वागत करते हैं। हम तो उनसे कहते हैं कि आने वाले समय में आप और मजबूती से इस लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को निभाइएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अपराध की बात की, 195 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, जिनमें से कप्तान, उप कप्तान और 82 इनके प्रत्याशी आपराधिक मुकदमे जिनपे दर्ज हैं, गंभीर आपराधिक मुकदमे, उनकी इनकी 195 की सूची में 82 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये और दूसरी बात ये कह रहे थे कि घर घर भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है, तो मैं पूछना चाहता हूं, जब एक साल से ज्यादा किसान धरने पे बैठा था, 400 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तो कहां थी आपकी भारतीय जनता पार्टी? वो क्यों नहीं घर घर जा रही थी किसानों के, क्यों नहीं घर घर मिल रही थी, क्यों उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कह रही थी? और आप कह रहे हो कि आप लोगों के बीच थे, तो कहाँ है, कहाँ थे आप जब प्रयागराज में अभी परसों ही छात्रों पे लाठी चलाई जा रही थी? कहाँ थे आप जब शिक्षकों पे लखनऊ में लाठी चलाई जा रही थी? और कहाँ थे आप जब कोरोना में लोग मर रहे थे बिना हॉस्पिटल के, बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के? और अपराध की आप बात करते हो, उत्तर प्रदेश में माफिया क्रिकेट खेलते हैं, जिन पर 25,000 का इनाम है, जिनको पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, और जिसको आपको बचाना होता है, जिसको आपको स्टेट साइड करना होता है, उस मामले की जांच SIT को आप दे देते हो। आपकी पुलिस, उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस गुंडे माफिया को नहीं ढूंढ पा रही है, और नहीं ढूंढ पा रही है तो क्या कहती है, क्या मैं उनके लिए SIT बना दी है? आप बताओ कि SIT या पुलिस ने कुछ माफिया को पकड़ने के लिए, उनकी संपत्ति को गिराने के लिए कहां बिल्डोजर चलाया? हम समझते हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन फखरुल भाई, जहां बुलडोजर चलता है फिर आप कहते हैं द्वेष के साथ बुलडोजर चल रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना भी चाहिए, दोनों बातें हो गई ना फिर ये तो? नहीं, अगर किसी माफिया के घर पे बिल्डोजर चलता है तो हम समझते हैं कि हमें कोई इस पे आपत्ति नहीं है, समाजवादी पार्टी ने कभी भी यही तो नहीं, हम तो ये देख रहे हैं ना कि बिल्डोजर किन पे चल रहा है, किन पे नहीं चल रहा है। एक माफिया क्रिकेट खेलते दिखता है, लखनऊ की राजधानी की पुलिस उस पर 25,000 का इनाम घोषित करे, वो टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, वो आराम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं उन। और दूसरी चीज, उनके एक दिन मैं बयान पढ़ता हूँ लखनऊ कमिश्नर का कि उनकी संपत्ति कितनी है उसको गिनवाया जा रहा है, आज तक उनकी संपत्ति गिनी जा रही है, कहाँ बिल्डोजर चला। देखिए, सेलेक्टिव अप्रोच के साथ अपराध पे कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इसीलिए अपराध समाप्त नहीं हुआ। दीपक सोनकर, जल्दी से काउंटर जवाब देंगे इसका, सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आप कार्रवाई कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी दोषी पाया गया है, कोई भी हो, किसी पार्टी को, किसी दल का हो, जो भी दोषी पाया गया उसको सजा देने का काम किया है, कोई भी माने जो भी पाया गया है दोषी उसको देने का काम किया है। और कहा हम अपने इस्तीफा तक नहीं लेते हैं अजय मिश्रा टेडी जी के ऊपर, कब कार्रवाई होगी? फखरुल भाई, सेलेक्टिव अप्रोच तो आपकी थी, वो कह रहे हैं। देखिए, जब ये कहते हैं कि हम जो है मुकदमे लिखने का काम करते, तो मैं सोचता हूँ आदर्श में जो हमारी बहन थी जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसका मुकदमा क्यों नहीं लिखा, क्यों देश की न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा? सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में, मैं सोचता हूँ कि जब वो किसानों पे गाड़ी चलाने वाले, सुनियोजित तरीके से गाड़ी चलाने वाले लोग, उनपे क्यों कार्रवाई नहीं करते, क्यों नहीं FIR लिखी जाती, क्यों देश की सबसे बड़ी अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है? हम सोचते जब उन्नाव में हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है, उसका मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाता, क्यों देश की सबसे बड़ी अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सेलेक्टिव अप्रोच के साथ ये कार्रवाई करी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये जिनको बचाना चाहते हैं उनके लिए SIT बना देते हैं, उनके लिए CBCID बना देते हैं, केवल और केवल इन्हीं ने इनका बिल्डोजर और इनकी कार्रवाई सिर्फ आम आदमी, गरीब, दलित, किसान, पिछड़ों तक ही सीमित रही है, और इन्हीं ने सेलेक्टिव अप्रोच के साथ अपराधियों को भी देखा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराधियों को अपराधी की तरह नहीं देखा है, पार्टी की तरह देखने का काम, ठीक है, पार्टी की तरह, ठीक है। अनुराग मिश्रा, देखिए दावे सभी करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका चेहरा क्रेडिबल है, आपके नेता का
जो चेहरा है वो क्रेडिबल है, इस वजह से आप जीत जाएंगे। आपने डोर टू डोर कैंपेन कर लिया, इस वजह से आप जीत जाएंगे। मीडिया दिखाए ना दिखाए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं दिखा रहे, आपने तंज कसा कि मीडिया दिखाए ना दिखाए, हम सबका दिखा रहे हैं। बीजेपी के लोग जा रहे हैं डोर टू डोर तो हम वो भी दिखा रहे हैं, कांग्रेस के जा रहे हैं तो हम वो भी दिखा रहे हैं, सपा और उसके साथ साथ आपकी पार्टी तो हम वो भी दिखा रहे हैं। डोर टू डोर जाने से शायद चुनाव नहीं जीता जा सकता है, प्रयास सभी कर रहे हैं ना, एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ही पार्टी और आपके नेता या आप खुद प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सब कर रहे हैं। उसमें कैसे आदमी भरोसा करेगा कि दिल्ली जैसे एक राज्य को आप उत्तर प्रदेश के चुनाव से वहां के काम को बताकर जीत लेंगे? देखिए एक चीज मैं बता दूं, हिंदुस्तान की राजनीति में पहले नेता माननीय केजरीवाल जी हैं जिन्होंने 5 साल सत्ता चलाने के बाद जब जनता के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि अपने सीने पर हाथ रख करके पूछ लेना, अगर केजरीवाल ने काम किया है, अगर दिल्ली का बेटा बन करके काम किया है, अगर तुम्हारी बिजली फ्री हुई हो, अगर तुम्हारे बच्चों को स्कूल मिला हो और दवाई और पर्चा और अस्पताल में आपके ऑपरेशन फ्री में हुए हो, अगर मैंने काम किया है तो मुझे और ये भी बताने का खर्च करें कि कितने नए स्कूल बनाने का काम किया है, बीस बना है, ये भी मुझे पहले मिले फिलहाल नहीं झूठ झूठ है कि सच है वही तो पूछ रहे हैं। अनुराग भाई आप भी तो बीच में बोल रहे थे, उनका डॉक्टर आशीष का इतना ही कहना है कि कितने नए स्कूल बनाए हैं दिल्ली में, ये भी गिना दीजिए ना साथ में, ये भी बताने कितने नए स्कूल बनाए हैं दिल्ली में, ये भी पूछ रहे हैं वो, क्योंकि शीला दीक्षित सरकार के दौर में जो सड़कें बनी और जो स्कूल बने उसके बाद कुछ बना नहीं है, सच्चाई ये भी है। सुनिए तथ्य ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम जब भी जा रहे हैं हर बस्ती में जिस भी बस्ती में घुस रहे हैं कम से कम 3 परिवार के बाद चौथा परिवार मिल जा रहा है जो दिल्ली में जो उनके परिवार का कोई सदस्य रह रहा है। जाते हैं मुझे लेकर के गांव में घुमा रहे हैं, ये अंडर करंट है। और सबसे बड़ा दर्द मैं बताना चाहता हूँ किसी भी पार्टी का कुछ भी हो, एक चीज ये जानिए, ये परंपरा शुरू करिए, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, नहीं तो आप सबकी क्रेडिट खत्म होने जा रही है। आज लखनऊ में बैठ करके वोट बैंकों का सौदा हमारे लोग कर लेते हैं, आप बताइए 358 बूथ है और 358 बूथ पर आप टिकट दे रहे हैं, 2 तारीख से नामांकन है, आप 30 तारीख को टिकट घोषित करेंगे, कैसे एक एक घर कोई पहुंच पाएगा? क्या हमारे वोटर को ये जानने का हक नहीं है कि हमारा प्रत्याशी कैसा है? क्या वो 1-to-1 उसको नहीं होना चाहिए उसके साथ? क्यों इतने लेट में आप टिकट फाइनल करते हैं? इसका कारण ये है कि हम वोट बैंक के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं और जनता इस चीज को समझ रही है। आज वोटर ठगा जाता है हर बार, क्यों? नेताओं की अपनी पार्टी नहीं है, हम इस दुकान पर जा रहे हैं और अगर यहां से हमको टिकट नहीं मिलता तो हम दूसरी दुकान पर चले जा रहे हैं, फिर तीसरी दुकान पर चले जा रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं, आज मतदाता अब वो 2005 का मतदाता नहीं है, 2007 का मतदाता नहीं है, अब वो भी चालाक हो रहा है, उसको पता है। डॉक्टर आशीष दीक्षित बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, अनुराग मिश्रा कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी बड़ी पार्टियां विलंब कर रही हैं क्योंकि वहां पर खेल हो रहा, वो मुद्दे उठाते हैं सिर्फ हवा हवाई बताने के लिए। आम आदमी पार्टी के पास चेहरा भी है, उनके कैंडिडेट जो कि पहले से मैदान में हैं, लोग उनको पहचान रहे हैं, इस वजह से उनकी जीत तय है। अनुराग मिश्रा जी ये बताने का काम करें कि केजरीवाल जी जो है गोवा में मुख्यमंत्री बनेंगे, पंजाब में बनेंगे, उत्तराखंड में बनेंगे, भी उत्तर प्रदेश में बनेंगे, ठीक है? एक चेहरा है इनके पास में, एक ही जैसे जुगले और वादे हैं, ये नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि कितने नए स्कूलों का निर्माण किया उन्होंने दिल्ली में, कितने फ्लाईओवर बनाए, जितनी मेट्रो बनाए के शीला दीक्षित जी छोड़ के गई हैं उसमें कितना एक्सटेंशन करने का काम किया। देखिए ये लोग खेल माहौल बनाते हैं, वो एक प्रोपेगेंडा एजेंट प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने जन लोकपाल के समय प्रोपेगेंडा करके माहौल बना के सत्ता में तो आ गए, मगर चलाना नहीं आता है। यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, वहां मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ करेंगे वहां करेंगे, केवल जहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। कहां संघर्ष किया है आपने? लगातार क्या संघर्ष किया है? कितने लोग आपके जेल गए? कोई नहीं गया। केवल एनजीओ पैटर्न पर राजनीति नहीं होती है, संघर्ष करना पड़ता है, आवाज को बुलंद करना पड़ता है, माहौल बनाने से सरकारें नहीं आती हैं।
हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आदरणीय प्रियंका गांधी जी संघर्ष कर रही है, कोरोना काल में लगातार देखिए जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। आप लोगों के और सुनिए, और उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास से देख चुकी है केजरीवाल जी के राज्यपाल है, कोई मंत्री है, कोई सांसद है, ठीक है। आप लोगों ने तो विश्वासघात करने का काम किया। बातें बनाना बहुत आसान है, अरविंद केजरीवाल जादूगर। लेकिन 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 आशीष भाई, बीजेपी के एजेंट आपने बता दिया उनको, बीजेपी के एजेंट से समझौता तो आपने भी किया था ना। देखिए गलतियां होती है, गलती हो गई थी, ठीक है, बिल्कुल बेबाकी से कह रहा हूं, देखिए गलती हो गई थी, ठीक है, मगर आप गलती नहीं करने जा रहे हम लोग। तो आपने ऐसी गलती ऐसे नेता के साथ कैसे करने की कोशिश की जिस नेता ने सरेआम कहा था कि कसम खाता हूं कि कभी राजनीति नहीं करूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। आपको पता नहीं था वो कितने माहिर हैं, उनके साथ आप चले गए गलती करने। देखिए कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया, लोकतंत्र की स्थापना की, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे मजबूती से खड़ी है, और उनको मैंडेट मिला था, उनके पास कमी थी, कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन देने का काम किया, भले ही हमारा ही सबसे ज्यादा नुकसान हो, लेकिन लोकतंत्र बचना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर इस लोकतंत्र को बचना चाहिए। मगर जिस तरीके का इस समय लोकतंत्र की हत्या ये लोग मिलकर कर रहे हैं, जनता आप समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, लोगों को सबक सिखाने का। नहीं, जनता जनता तो हमेशा हमेशा सबक सिखाती है। और जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया, वो कांग्रेस तो कब की खत्म हो गई, आपको पता ही होगा किसने कहा था ये बात। नहीं, वो किसने कहा था, हमने नहीं कहा था उनको, हम क्या दर्जा देते हैं, उन्होंने ही कहा था कि वो कांग्रेस खत्म हो गई, अब जो कांग्रेस है वो नहीं है। बहरहाल अब जनता भी जागरूक है, पार्टियां भी बहुत सारी हो गई हैं। पहले कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी से ही निकलकर बहुत सारी पार्टियां बन गई, उस पार्टी के ही अंदर के जो नेता थे उन्होंने कई पार्टियां बना ली, तो बहुत सारा बदलाव हो गया है, ये बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। ठीक है ठीक है, अनुराग मेरी अगर आवाज आप तक आ रही हो तो मेरा सवाल आपसे कुछ कहना भी चाह रहे थे। आप जो बात कह रहे हैं कि आप क्रेडिबिलिटी वहां की दिखाएंगे और राजनीति करेंगे उत्तर प्रदेश में, पूरा करने के लिए लोग चले गए, लोगों सरकार में भी आ गए, ठीक है। अनुराग, विचारधारा किसकी है, विचारधारा तो कांग्रेस पार्टी की है ना। नहीं नहीं, विचारधारा बदल भी गई है, बहुत लोगों की विचारधारा बदली है, कुछ तो कांग्रेसियों की भी खुद की विचारधारा बदल गई है, उन्होंने पार्टी बदल ली, ठीक है, जो विचारधाराओं की बदल गई है, जिसको जाना है। देखिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से, और ये लोकतंत्र की रक्षा कर रही है। इससे बहुत से लोग जो नहीं लड़ पाएंगे, जो कमजोर है, जो कायर है, जो लड़ नहीं सकते, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है और अति महत्वाकांक्षा है, वो जाएंगे, उनके जाने से कुछ नहीं खत्म होने वाला है। दीपक सोनकर, अति महत्वाकांक्षा के दौर में आपके लिए चुनौतियां बहुत सारी है, स्वाभाविक होता है कि जो सत्ता में होता है वो कहता है हमने काम किया। अखिलेश ने भी नारा दिया था काम बोलता है, नहीं बोल पाया। आप भी कह रहे हैं कि हमने ये किया, और कोरोना काल में जो चुनौतियां नई पैदा हुई थी उससे भी आपने निपटने का प्रयास किया और सफल रहे बहुत हद तक। लेकिन मौजूदा दौर में एक माहौल तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि एक लहर सी दिखती है किसी चेहरे की, वो दौर भी हमने देखा, उस वक्त ये लोग नहीं मानते थे, हम कहते थे नहीं भाई अंडर करंट ये है। आज देखिए अनुराग मिश्रा जो कि प्रवक्ता हैं और कैंडिडेट भी आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि अंडर करंट उन लोगों के लिए है। इस अंडर करंट को कैसे जज कर रही है बीजेपी, क्योंकि ये अपने आप में सबसे हिडन और सबसे खतरनाक फैक्टर होता है। भारतीय जनता पार्टी एक सेवा का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष जाकर के राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष जाकर के बूथ का अध्यक्ष जाकर के प्रदेश का अध्यक्ष होता है, और यहाँ प्रधान सेवक की तरह काम करते सत्ता के लोभ के लिए। जिस तरीके से आज ये उत्तर प्रदेश के अंदर सारे लोग चाव चाव लेकर के माव माव लेकर के आए हैं, चुनाव की जुमलेबाजी आते ही फ्री की टोलेंसी लेकर के आए हैं, और जो लोग विदेश यात्रा पर थे आज वो कोरोना सेवा की बात कर रहे हैं, जो लोग मुझे लगता है एसी के फ्लैटों में बैठते थे वो कोरोना की सेवा कर रहे हैं, जो लोग दिखाई भी नहीं देते थे वो कोरोना की बात कर रहे हैं। आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आया है तो चुनाव की जुमलेबाजी लेकर के आए हैं, चुनाव की भगदड़ सत्ता के लोभ के चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष होकर के जनता की सेवा करी है,
और जनता की सेवा का परिणाम ही जनता उनको 2022 में दे रही। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकास की यात्रा लगातार 2014 से चल रही, उसी विकास की यात्रा पर हम लोग लगातार अग्रसर है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सदस्यता उत्तर प्रदेश उसी यात्रा के साथ हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे कि देखे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हर वर्ग पर नेतृत्व देने का काम किया है, हर समाज को नेतृत्व देने का काम किया है, हर गरीब शोषित वंचित दलित तक योजना पहुंचाने का काम किया है। जहां तक की बात हमको देखने को मिलती थी कि पहले के देखता था कि एक समाज के लोगों को ही नौकरी से जोड़ा जाता था, एक समाज के लोगों को ही मंदिर मस्जिद बनाए जाते थे। तो ये सब भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार विकास के साथ जाने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार मन बना चुकी है कि जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है, ये पुणे की टेंडेंसी चलने वाली नहीं है, कहीं पर कुछ काम किया नहीं। आज बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम किया जाएगा। जब प्रतिज्ञा ली जा रही है तो प्रतिज्ञा राजस्थान में कितनी ली जा रही है, प्रतिज्ञा राजस्थान में कितनी छुट्टी दी जा रही है, वहां के बेरोजगार क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उसका जवाब भी जनता 2022 में देनी है। ठीक है, अनुराग भाई कुछ कह रहे हैं आप? मैं एक चीज ये कह रहा हूँ, तारीख मैं बता दूं कि हम दिल्ली के किसी हम किसी कोने में नहीं बैठे हुए हैं, हम देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता में है। और जब हम ये बोलते हैं कि आप उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन जो सरकारी स्कूल है उसको दिखा दीजिए, और हमारे यहाँ जो आप सबसे सबसे खराब सरकारी स्कूल आपको लगता है योगी आदित्यनाथ जी को खुली चुनौती हमारे मानने के लिए नहीं देते हैं। बरेली के अंदर जो तो दिक्कत दिखाता हूँ, अगर दिल्ली के कॉलेज को फेल ना करते थे तो मेरा नाम बदलने में आपको चैलेंज करता हूँ। ठीक है फखरुल भाई, फखरुल भाई जो अंडरकरंट का सवाल मैंने पूछा था दीपक जी से, उस वक्त जब आप सत्ता में थे और तब बीजेपी कहती थी कि अंडरकरंट है, आज आम आदमी पार्टी कह रही है, आप आज कह रहे हैं आपके लिए अंडरकरंट है। इस अंडरकरंट को वाकई हम कैसे देखें? क्या वाकई आपको लगता है कि मुद्दों पर आधारित चुनाव हो पाता है? ये एक बहुत व्यवहारिक सवाल है, क्योंकि हमने हर बार देखा है मुद्दे उठते हैं लेकिन आते आते वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में चलता वही है, कहीं जाति का गणित, कहीं और कोई गणित, जोड़ तोड़ की राजनीति। क्या आपको लगता है कि इस बार कहीं कोई ऐसा अंडरकरंट है जो कि मुद्दों आधारित हो, जो कि इस वक्त सरकार के विरोध में आपको महसूस हो रहा है? क्योंकि पार्टियां तो महसूस करती रहती हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगी तो उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा, जनता कैसे उन पर भरोसा करेगी? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है आज किसी भी आम आदमी से पूछिए, आप कहीं किसी कोने पे, कहीं सड़क पे, कहीं गली पे खड़े हो जाइए, किसी से पूछिए महंगाई पे, आप चर्चा कर लीजिए, हर व्यक्ति का जो घर का बजट है वो बिगड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महंगाई नहीं है, आज हम देखते हैं चाहे सब्जी के दाम हो, चाहे वो तेल के दाम हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल के दाम हो, ये सब वो चीजें हैं जो जनता के आम जीवन से जुड़ी हुई, रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीजें, जो आज जनता की, जो जनता 5,000, 8,000, 10,000 कमा रही है, बहुत बड़ा इस तरीके से एक वर्ग है। फखरुल भाई, मैं माफी के साथ आपको रोक के बीच में फिर से सवाल लूंगा। आपने मुद्दे गिनाए, बहुत अच्छी बात है, नोटबंदी, जीएसटी, उसके साथ साथ आपने जो महंगाई का मुद्दा उठाया, पिछले कई चुनाव में मुद्दे आप लोग उठा चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतना कारगर हुआ। अगर होता तो शायद वो तो तत्काल उस वक्त नोटबंदी का दौर भी हमने देखा, बहुत सारे बदलाव हमने और देखे, लेकिन वो मुद्दे तो चले नहीं ना। देखिए, नोटबंदी तो नवंबर 2016 में हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, देश के प्रधानमंत्री ने भी बड़े बड़े वादे किए कि हमें 100 दिन का समय दे दीजिए, हमें 150 दिन का समय दे दीजिए, हम भारत को बदल देंगे। लेकिन क्या भाई, जनता ने तो 19 में फिर से उनको समय दे दिया ना, उन्हीं मुद्दों के आधार पर जिसको आपने उठाया उन्होंने खारिज कर दिया। जब आप ये 2019 का सवाल करते हैं तो मेरा जवाब वही है जो मैंने पहले भी दिया था, 2019 का चुनाव मुद्दों पे नहीं हुआ था, वो 2019 का चुनाव अलग था। मैं इनसे फिर से बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि मैं सेवा करने आया हूँ, देखिए कैसी सेवा की इन्होंने की, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनको हाईकोर्ट से नोटिस मिलती है कि आप जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, राम मंदिर और आसपास की जमीनों को भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन और उनसे जुड़े हुए उनके अधिकारी गरीबों से, दलितों से कम दामों पे खरीदने का काम करते हैं और बड़े हुए दामों पे बेच रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा है जो वो करने के लिए आए हैं।
हम देखते हैं कि कैसे मिड डे मील में भ्रष्टाचार होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब कोई कोई पत्रकार इनका भ्रष्टाचार दिखाने का काम करता है तो ये उन पर मुकदमे लिखाने का काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा है। कोरोना काल की जब ये बात करते तो यही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, यानी आपको लगता है कि इस बार मुद्दे हैं और मुद्दों पर ही चुनाव होगा, या अच्छा भी है कि मुद्दों पर चुनाव हो, कम से कम जाति पर या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत लगाकर उस पर चुनाव ना हो। समय कम है, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, फखरुल भाई आपका, अनुराग मिश्रा आपका, दीपक सोनकर आपका। तो यूपी में सियासी रण इस वक्त चरम पर है। मौजूदा दौर में मुद्दा आधारित चुनाव का परिणाम दिखेगा नहीं दिखेगा, या फिर वही गणित दिखेगी जो हर बार दिखती है, क्योंकि दावे तो हैं और वादे भी हैं, वादों का क्या, वो तो होते रहते। जनता किस पर भरोसा करेगी ये जनता को ही तय करना है।